गुड मॉर्निंग क्लास एट सो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक देख लिया था व्हाट अज अ कंट्री नीड गुड मॉर्निंग क्लास एट सो स्टूडेंट्स वी आर ऑन चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सिविक्स पोर्शन एंड इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है उसके हिसाब से हम लोगों ने नेपाल ने का एग्जाम्पल देखा था वी हैव डिस्कस दिस एग्जाम्पल एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस द लास्ट this portion, this example, this cartoon characters example also we have done जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो class monitor हैं वो a kind of मुनाकी की तरह गोल कर रहे ताना शाह की तरह गोल कर रहे थे class में इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ते हैं हमारे आगे के पोर्शन की तरफ दैट इज़ इन डेमो लाइट ब्लू कलर पोर्शन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय और पॉलिटिकल लीडर्स अब देखिए डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि आप कोई रूलर बन जाते हो तो आप कुछ भी करने का राइट रखते हो आप अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते हो ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज है इनकॉपरेट किए गए हैं थर्ड लाइन इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि अगर लॉज हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं पिंक कलर पोर्सन डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑफ़ दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकिज एक्सपीरियंसिस इन स्कूल फ्रॉम क्लास सेवेंथ बुक वी हैव कंप्लीटेड दैट पोर्शन इन द प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पढ़ा था देखा था कि दलित बॉय थे जिनका नाम था ओम प्रकाश बाल्मीकि उनकी बुक का नाम था झूठन तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जो बचपन में उन्होंने जो भी चीज़ें फ़ेस की थी तो डिस्क्रिमिनेशन फ़ेस किया था बिकॉज ऑफ बींग दलित बींग अ दलित uh, वो चीज़ों की बातें कर रहे हैं आपकी बुक के अंदर इन दिस चैप्टर इन दैट चैप्टर सॉरी वी टॉक्ड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित एज़ आई हैव ऑल योर टोल्ड यू ना द येलो कलर पोर्शन यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज़ अब हम ये पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे हमारे राइट टू इक्वालिटी टू ऑल द पर्सन एंड से नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पढ़ा है हम लोगों ने वैसे ये रिलीजन रिलेज कास्ट जेंडर इन प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आप इक्वालिटी रखना है इनक्वालिटी नहीं शो कर सकते हैं द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ़ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्स फंडामेंटल टोटल हमारे राइट्स हैं उनमें से सबसे पहला अगर हम बोले राइट टू इक्वालिटी सभी लोग बराबर हैं किस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ़ देयर रेस कास्ट जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो सो so, हमारा पहला राइट right हो गया राइट टू इक्वालिटी अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस हमारे चैप्टर का नाम क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कलिस्टेड है दट वी आर डिस्कसिंग सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेस इन डेमोक्रेसी इज़ टू इंश्योर दैट अ डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर कोई ताकतवर ग्रुप है वो अपने पावर का यूज़ किसी और के ऊपर न करे यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स uh, गारंटीड करता है लेस पावरफुल अपने से कम पावरफुल या फिर अदर ग्रुप्स के लिए वो ज़्यादा डोमिनेंट ना हो द स्टोरी बोर्ड हमें ये स्टोरी बोर्ड डेमोस्ट्रेट करता है एक एग्जाम्पल को जैसे गेम पीरियड चल रहा है हमारे स्टार्ट होने वाला है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज गर्ल्स बोलती है और जो बॉयज़ है वो बोलते हैं हम क्रिकेट खेलेंगे ना उसके बाद गर्ल्स डिस्कस करते वी ऑलवेज हैव टू डू वॉट द बॉयज़ वन बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी अगर गर्ल्स थ्री आप वैसे तो टू हमको दिख रही हो और बॉयज़ यहाँ मेजोरिटी में है हमें यहाँ फोर बॉयज़ या फिर फोर से ज़्यादा बॉयज़ हुए तो जो मेजोरिटी बोलेगी वही करना पड़ता है तो दो गर्ल्स जो बास्केटबॉल खेलने के लिए बोल रही है उन्हें बॉयज़ की डिमांड के आगे झुकना पड़ेगा तो वही बात की जा रही है यहाँ पर गर्ल्स बोलती है कि हमें सिर्फ हमेशा बॉयज़ की बात माननी पड़ती है सो यहाँ बात कर रहे हैं मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आर विश इज़ ऑल्सो हियर्ड अब देखिए आगे क्या होता है the teacher decided to settle the problem with a show hand obviously they are more in the uh, sorry वॉन v1 वॉन जो boys end में क्या होता है cricket ही उन लोगों को खेलने को मिलता है और लड़कियों को भी एक तरीके से वही खेलना पड़ता है इस वजह से क्योंकि वो majority में थे ज़्यादा संख्या में थे सच अनहेल्दी सिचुएशंस क्या ये हेल्दी सिचुएशन है हेल्दी मीन्स फूड नहीं यहाँ पर हेल्दी मीन्स हेल्दी सिचुएशंस का मतलब है कि क्या ये सही है कि जो ज़्यादा होगा वो हमेशा सही होगा बिल्कुल नहीं कभी कभी गलत लोग अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या एक सच्चा इंसान दूसरों के सामने खड़ा होने की हिम्मत ना रखे तो वही अनहेल्दी सिचुएशन की यहाँ पे बात की जा रही है सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अगर इन डेमोक्रेसी सोसाइटीज़ टू वेयर अ मेजोरिटी कैन बी कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीज़न दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग गलत फैसला ले लेते हैं और उस बीच में अगर कोई सही फैसले की बात भी करता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है एज द अबब द फोर्थ लाइन येलो कलर पोशन एज द अबब स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रीट एवरी सेक्शन ऑफ सॉरी एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू टू दिस टाइरनी ऑफ द मेजोरिटी हर एक इंसान इस मेजोरिटी वाली चीज़ों से परेशान है द कॉन्स्टिट्यूशन द लाइट ब्लू कलर पोर्शन द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इन्श्योर द माइनॉरिटीज़ आर नॉट इक्सक्लूडेड फ्राम एनी थिंग दैट इज रूटिनली एवेलेबल टू द माइनॉरिटीज अनादर रीजन वाई वी हैव अर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिस टू प्रिवेंट दिस टाइरनी और डोमिनेशन बाई द मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी हम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ इनलिस्टेड है, है कि सभी के पास आज़ादी है हम यहाँ पर यहाँ बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी से बचने के लिए जो टैलेंट है ना इससे बचने के लिए जो डोमिनेशन है इससे बचने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिचुएशंस या फिर अगर हम बोले कुछ फंक्शंस दिए गए हैं पिंक कलर पोशन दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर एग्ज़ाम्पल इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन मेम्बर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद द सेम कम्युनिटी एग्जाम्पल इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन ये सारी चीज़ें हमने देखी ना द थर्ड सिग्निफिकेंस रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन पहला तो मेजोरिटी वाली जो थॉट प्रोसेस था उसको बंद करने के लिए तीसरा सॉरी दूसरा हमने पढ़ा अभी थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम अर सेल्फ हमें खुद से खुद को बचाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो ये बोलने में बहुत अजीब लगता है पर ये है क्या ये देखते हैं दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट द सेकेंड लाइन ऑफ द येलो कलर पोर्शन दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट वॉट इज मैंट बाय दिस इज दैट वी माइट आर टाइम फील स्ट्रोंगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट अवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस लुक एट दिस स्टोरी बोर्ड बिलो टू अंडरस्टैंड दिस बेटर जो शबनम है इज इन अ फिक्स डिसीजन लेने में वो नहीं ले पा रही थी आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टेस्ट बट इट इज़ टाइम टू माई फॉर माई फेवरेट टी वी प्रोग्राम आई एम डाइंग टू वॉच इट बट इफ़ आई डू दैट आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न तो ये अभी असमंजस में कि टी वी देखेगी होमवर्क करें शबनम वाई आर यू लुकिंग वर्ल्ड फिर उसके बाद क्या होता है i want to watch tv program i have a test tomorrow if you uh, if you all watch tv i will also want to watch um i have an idea what if no one watches tv today sorry tonight uh, they then i may not be tempted तो इनके जो मदर फादर है वो उनसे ये बोलती है कि ऐसा करते कोई भी टीवी मत देखो तो मैं भी ललचाऊंगी नहीं टीवी देखने के लिए इट वाज अ गुड थिंकिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी वी देर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट टू चैप्टर्स तो जब टेस्ट देने जाती हैं जब वो पढ़ाई कर रही होती तो उन्हें तो पता चलता है अच्छा हुआ हमने टी नहीं देखी बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट टू चैप्टर्स से आए अब क्या है सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन दैट वी माई हैड टेकन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन एक्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन अ डेमोक्रेसी माइट कम स्ट्रॉगली टू फील दैट पोलिटिकल पार्टीज हेज बिकम सो एलक्रोमेनियस दैट वी नीड अ strong डिक्टेटर टू सेट दिस राइट अब देखो कभी कभी हम खुद पर क्यों भागी पड़ते हैं क्योंकि हमारा फैसला हमेशा सही नहीं हो सकता है कभी वो गलत भी हो सकता है तो इस हिसाब से यहाँ बात की गई है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी से अच्छा पोलिटिकल पार्टी से अच्छा कि हमें एक डिक्टेटर को चुन लेना चाहिए जो हमारे बिहाफ में डिसीज़न ले अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने कैसे देखा कि वो क्या कर रही है आ, वो कह रही हैं ऊपर जो शबनम थी उन्होंने क्या अपने इंटरेस्ट को लेते हुए अपने जो मदर फादर है वो टी बंद करवा दिया और उसके बाद आगे जाके पता चला कि चलो उन्होंने जो किया वो सही किया नीचे क्या बात की जा रही है आ, कभी कभी हम गलत फैसले भी ले लेते हैं द थर्ड लास्ट लाइन ब्लू कलर पोर्शन स्वेप्ट बाय दिस ओम्योशन दैट जो वो डिक्टेटरशिप चाहते हैं उस धारा में या उस भावना में बहने से पहले उन्होंने ये नहीं सोचा दे मे नॉट रियलाइज दैट द लॉन्ग रन डिक्टोटोरियल रूल गॉन अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट ये जो डिक्टोरियल रूल मांग रहे हैं वो अभी कुछ साल के लिए उन्हें पसंद आ रहा है या फिर पोलिटिकल पार्टी से तंग होकर वो लोग ये डिसीज़न ले रहे हैं पर आगे आने वाले टाइम के लिए डिसीजन सही नहीं है पिंक कलर पोश्चन अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज व टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इट डज़ नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवर थ्रू ऑफ प्रोविजन्स दैट गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देअर फ्रीडम अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या मिले हुए हैं हमें राइट्स मिले हुए हैं राइट्स भी ऐसे जो कि प्रोटेक्शन कर रहे हैं हमारी, हमारे हमारे एक्सप्लोटेशन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग इन एग्ज़ाम्पल से ये सारी प्रोग्राम या फिर ये सारे पैराग्राफ को हम लोग लीड आउट कर रहे हैं ना अब आगे हमारे आएंगे कुछ की फ़ीचर्स की फ़ीचर्स का मतलब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट बनाती है जैसे फेडरलिज़्म है एक पॉइंट उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे इंडिया के अंदर आफ्टर दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज़ और नेक्स्ट पॉइंट विच एंड द नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल राइट्स उसके बाद हम लोग सेकुलरिज्म देखते हैं इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर है जो ख़त्म हो जाता है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इन की फीचर्स आर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टेस्ट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो सो इन पूरे पोर्शन में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर मेजर फीचर्स देखे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं दिया गया है सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट्स टू टू डेज क्लास थैंक यू